नमस्कार दोस्तों, टीम 360 के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इतने सेमिनार, इतने एक्सपीरियंस वीडियोस, इतनी फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग के बाद आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विक्रम जी, जो कि राजस्थान से ही है। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने एजुकेशन फील्ड से होते हुए इस प्रोग्राम को इसमें अपने प्रोग्राम के साथ ऐड करने का विचार किया। परंतु बात विषय जानने की यह है कि आज हमारे साथ फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद विक्रम जी अपने प्लेस पर जाने वाले हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या रीज़न रहा कि इनको फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग, इतना सब कुछ चलते हुए, काफ़ी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, इनके खुद के क्लासेस चलते रहते हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, बढ़िया रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ इन्होंने देखी टीम 360 के अंदर जिस कारण से ये इतनी दूर से यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए और ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर से कि ऐसा अब इस प्रोग्राम को किस तरह से ये आगे बढ़ाने वाले हैं, किस विजन के साथ बढ़ाने वाले हैं। मैं वर्तमान में विद्यालय चलाता हूँ, 3 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है अपने। मैं यूट्यूब के जरिए टीम 360 से मेरा मिलान हुआ यूट्यूब के जरिए। गत रविवार को मैं यहाँ आया, फ्रेंचाइजी लेने का मैंने निर्णय लिया। उसके बाद मैंने कई जगह में पहले भी ट्राई कर चुका हूँ DMIT के बारे में, लेकिन मैंने सब जगह देखा तो ये देखा कि जीरो से हीरो, एक टीम 360 ऐसी है जो जीरो से हीरो तक ले जा सकती है। मैंने इनका प्रोग्राम देखा, विद्यालय प्रोग्राम भी देखा, ऑफिशियल वर्क भी देखा, 2 दिन से इनकी ट्रेनिंग भी ली मैंने। तो उसके बाद मुझे लगा कि वाकई में इनका जीरो से जो हीरो बनने का है वो सारा टीम 360 नाम है, लेकिन नाम के हिसाब से इनका वर्क भी है, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं सर से एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को अब कंपनी के सहयोग से किस तरह से आगे बढ़ाना है, इनको क्या विज़न के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। टीम 360 की मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली, 2 दिन की, 2 दिन की ट्रेनिंग सर ने बताई थी। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे कुछ और थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं अपने स्टाफ को भेजकर 1 या 2 घंटे के लिए, और जो थोड़ा सा डाउट है उसको भी क्लियर, थंब लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं 1-2 दिन में सर को भेज के क्लियर करेंगे। उसके बाद मेरा ऐसा है कि अभी तक तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अपना नाम कमाया, स्कूल चलाया, इंस्टीट्यूट चलाया। सर ने जैसे विश्व लेवल पर सारा अपना टीम 360 का नाम कर रखा, उसी प्रकार मेरी आगामी सोच यह है कि मैं ज़्यादा नहीं तो जिले लेवल, स्टेट लेवल तक पहुँच सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे से टीम 360 को जाना है ये कह सकते हैं, काफ़ी वीडियोस वगैरह आपने देख ही रखे थे। देखो, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो यहाँ पर कुछ मुश्किल नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, आपके साथ मिलकर करेंगे पूरे राजस्थान में, और बहुत अच्छे से किया जाएगा। हमारी पूरी हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि इस प्रोग्राम को हम आपके साथ मिलकर करें, और हमारी बहुत बहुत बधाई है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से इसको स्टार्ट करें। और एक विशेष चीज़ है कि अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जो इस काम को बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं, विक्रम जी के साथ में, विक्रम जी के सुपुत्र। और ये जो है पापा के सामने नहीं बोलते लेकिन कैमरा के सामने ज़रूर बोलते हैं, तो इनका नाम क्या है, इनसे जानते हैं और इन्हें प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि इन्होंने क्लास भी की थी आज, इनसे पूछते हैं। क्या नाम आपका? प्रिंस भारद्वाज। आपने सुना होगा ना, अगर नहीं सुनाई दिया तो दिल की आवाज़ इनकी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? प्रिंस भारद्वाज। प्रिंस भारद्वाज, अभी कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ। फोर्थ में। तो आज आपने क्लास की थी, एक्सरसाइज वगैरह की थी, तो क्या क्या किया था आपने? डांस किया और एक्सरसाइज। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहते हो कि आपके जितने भी क्लासमेट है, आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो भी इस प्रोग्राम को करें? हाँ। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी का, और मानना पड़ेगा क्योंकि आगामी भविष्य कह सकते हैं इनको। बहुत अच्छा इन्होंने क्लास अटेंड की और बहुत अच्छा इनका रेस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छे से क्लास की, क्योंकि मैंने पर्सनली इनको देखा था, विजिट किया था क्लास में। चलिए, तो इसी कड़ी में अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ टीम 360 प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर NK शर्मा जी को, और सर से जानते हैं इनका क्या अनुभव है और क्या मैसेज देना चाहते हैं जितने भी हमारी फ्रेंचाइजीज है, और आई हुई फ्रेंचाइजीज है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू रवि सर। सबसे पहले तो हमारे जो फ्रेंचाइज आए हैं इतनी दूर से, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में अपना एक छोटा बच्चा भी लेकर आए हैं। इनको देख कर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक आदमी ने लॉयन, शेर और 2 बिल्लियाँ पाल रखी थी, और तीनों एक ही पिंजरे में एक साथ रहते थे। तो घर में कोई मित्र आए, उनके बोले ये कमाल तुमने कैसे कर दिया,
शेर तो बड़ा खूंखार जानवर होता है, ये बिल्लियों के साथ एक पिंजरे में कैसे रह रहा है? तो उसने कहा कि ये अपना ब्रेन का कंडीशनिंग है, अपन अपने दिमाग को अगर प्रॉपर कंडीशनिंग कर देंगे तो जो चाहे हासिल कर सकते हैं। तो सर का भी स्कूल है, अच्छा खासा काम कर रहे थे, इनको लगा कोई नया काम मैं कर सकता हूँ, तो ये भी इन्होंने अपना ब्रेन को कंडीशन किया और आए। तो मित्र को उसने बताया कि जब शेर का बच्चा पैदा हुआ था उसी समय से मेरे पास में है, तो नेचुरली ना वाइल्ड एनिमल है तो कोशिश की एक दो जानवरों पर उसने मतलब अटैक करने की, तो छोटेपन से ही उसके ऊपर मार लगती थी तगड़ी हंटर की कि नहीं दूसरे पर अटैक नहीं करना है। और खाने के लिए उसको प्योर वेजिटेरियन खाना दिया गया, कभी नॉनवेज वगैरह दिए ही नहीं, तो उसने कभी स्वाद चखा ही नहीं मीट वगैरह का कि दूसरे जानवरों का मीट कैसे होता है। वेजिटेरियन खाना खाया है, इधर उधर कोई फालतू हरकत करे किसी पर अटैक करे तो उसको मार पड़ती थी, तो एकदम सीधा गाय जैसा हो गया। और जब बाद में बिल्लियों को साथ में रखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, कभी इसके दिमाग में भी नहीं आया कि इन पर भी अटैक करना है। तो जिस तरह से उस आदमी ने एक ही पिंजरे में शेर को और बिल्लियों को रखा है और कंडीशनिंग कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति कंडीशनिंग करके दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, खाली दिमाग को कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। यही मेरा मैसेज है और मैं सर से उम्मीद करता हूँ कि सर अपने जगह जाके इस काम को खूब फैलाएंगे और लोगों को कन्विंस करके बच्चों का भला करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे फ्रेंचाइजी टीम मेंबर जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर वीडियो से अपडेट रहते हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप कितने DMIT कर चुके हैं, कितनी DMIT आपने की है और कितने बच्चों को तैयार किया है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में नीचे लिखें कि आपने इतने बच्चों की मिडब्रेन क्लास करवाई और DMIT करवाई है। बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह से प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं और अपने प्लेसेस पर, और कहीं पर दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको अब सेमिनार करवाने की तैयारी में है, आप सेमिनार करवाना चाहते हैं, स्कूल में प्रोग्राम करवाना चाहते हैं कंपनी की हेल्प से, क्योंकि अब लॉकडाउन जैसा कुछ रहा नहीं है, अब सारी जगह हम निरंतर जा ही रहे हैं, पंजाब हरियाणा अलग अलग जगह कंपनी के टूर हो ही रहे हैं सेमिनार और वर्कशॉप के लिए, तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके प्लेस पर इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया जाए तो संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।